हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एन जी के। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है IBPS AOFO का मॉडल पेपर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपको आने वाली IBPS AOFO एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प करेंगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप जो है FCI फूड सेफ्टी ऑफिसर, FCI असिस्टेंट, FCI जो है टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स आप जो है एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल इस कोर्स में जो है 25% का डिस्काउंट का ऑफ़र चल रहा है, तो आप जो है ये जल्दी से जल्दी जो है ऑफ़र भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ़र जो है हमारे पास लिमिट समय के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इस कोर्स में जो है आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो मिलती है 6 to 7 ई बुक्स आपको अकॉर्डिंग टू योर फुल सिलेबस मिल जाती हैं, यूट्यूब क्लास नोट्स मिल जाते हैं, 1 question बैंक आपको यहाँ पर मिल जाती है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है विद ऑल इंडिया रैंकिंग, प्लस आपको जो है CBT 1 CBT 2 के फुल नोट्स मिल जाते हैं, आपका व्हाट्सएप पर डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है, आपको यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, और ये हमारे जो है वो सोर सिलेक्शन बैच का कोर्स होता है, तो आपको बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप जो है ये हमारा जो है कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो ये कोर्स जो है हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर NGK वहाँ पर भी अवेलेबल है, और ये कोर्स जो है वो agriculturegk.in हमारी ये जो वेबसाइट है वहाँ पर भी अवेलेबल है। दोनों जगह आपको जो है इस कोर्स में जो है कूपन कोड यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आप जो है दी हुई स्क्रीन पर कूपन कोड यूज़ करके जो है वहाँ पर जो है 25% जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारे जो है MCQs डिस्कस कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ टाइप ऑफ सरफेस इरीगेशन इन विच ट्रेंचेस और फरो आर डग बिटवीन क्रॉप रोज इन द फील्ड। रिजेस और फरो प्लांटिंग में जो है हम जो है प्लांटिंग करते हैं, और फिर जो है उसकी जो फरोज होते हैं उनके बीच में जो है हम जो है इरीगेशन की फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो उसे जो है फरो इरीगेशन कहा जाता है। चलिए सेकेंड MCQ डिस्कस कर लेते हैं। इन मिल्च एनिमल शेड फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर ऑफ एनिमल केप्ट इन अ सिंगल रो सिस्टम, यानी मिल्च एनिमल को जो है हम सिंगल रो सिस्टम में कितने एनिमल रख सकते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है, तो हम सिंगल रो में जो है वो 12 to 16 एनिमल्स को रख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज, तो ये आप सबको पता है कि बफेलो का जेस्टेशन पीरियड जो है वो 3-10 days है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विथ इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट, यानी अगर जो है किसी भी मटेरियल में उसका ऑर्गेनिक कंटेंट है वो इंक्रीज होता है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर वो कांस्टेंट रहती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ये जो है ये एक जो है मेजर है जिसमें जो है किसी भी मटेरियल की एबिलिटी टू कंडक्ट हीट ये चेक की जाती है, उसे जो है थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट के इंक्रीज के साथ जो है डिक्रीज होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजेंसी इन मस्टर्ड ड्यू टू, यानी मस्टर्ड में जो है वो पंजेंसी किसकी वजह से आती है, तो वो है ग्लाइकोसिलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर बॉइलिंग राइस कंजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, यानी पर बॉइलिंग राइस में जो है वो कौन सा विटामिन होता है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो उसे में जो है विटामिन B12 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर हैव मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर, नीचे दिए गए में से जो है किसमें जो है वो 20% से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो है हिस्टोल्स। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वूल यील्डिंग ब्रीड ऑफ शिप, यानी नीचे दिए गए में से जो है कौन सी ब्रीड की शिप जो है वो जो है बेस्ट वूल देती है, तो नीचे ये जो है डॉर्पर, साउथ डाउन, सफ लॉक, ये जो है ये तीनों जो है मीट पर्पस ब्रीड है शिप की, और मेरिनो जो है ये जो है बेस्ट वूल यील्डिंग शिप है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लंपी स्किन इज अ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय, यानी लंपी स्किन ये जो डिसीज होता है कैटल में, ये जो है ये एक वायरल डिसीज है, और ये जो है ये वायरल डिसीज है, और इसमें जो है एनिमल को जो है फीवर हो जाता है, और इसके स्किन पे जो है मल्टीपल नोड्यूल्स आ जाते हैं, और जो है इसकी स्किन जो है बीच बीच में जो है ऐसी काली पड़ जाती है, और ये जो है ये एक वायरल डिसीज है, और ये जो है ये जो है पॉक्सीविरिडाई, ये जो वायरस है इसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट इन प्लांट मेनली ऑकर्स इन विच पार्ट, यानी जो है प्लांट में सबसे पहले जो है वो डिफिशियंसी सिस्टम हम कहाँ देखते हैं, तो वो हम देखते हैं ओल्डर लीव्स में सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ अवरोधी वेराइटी ऑफ ग्राम, यानी ये जो वेराइटी है अवरोधी, इसका जो है मेन पर्पज क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मेन पर्पज है कि ये रेजिस्टेंस है वील को, तो ये वील्ड से जो है ग्राम की जो है ग्राम को बचाता है, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश की वेराइटी है 1110 to 1115 days की, जो कि 22 quintal पर हेक्टर ईल्ड देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ब्रीड ऑफ द गोट इज नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क, तो ये आपको सबको पता है वो है सानिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम कम इंटू एक्सटेंस फ्रॉम, यानी जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम ये कब आया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है 1964 to 65 के बीच में आया था, और इसकी फिलॉसफी थी कि जो हाई प्रोडक्शन एरियाज है वहाँ पर जो है साइंटिफिक प्रोग्राम्स जो है साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन इज़ अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, यानी लॉकडाउन ये जो वेराइटी है ये किसकी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो लॉकडाउन ये जो वेराइटी है ये मैंगो की वेराइटी है, जो कि बिहार का जो मैंगो मैन है जिसे कहा जाता है, उसने जो है ये डेवलप की है, वो है अशोक कुमार चौधरी। इन्होंने जो है लॉकडाउन के बाद जो है इस वेराइटी का निर्माण किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैंगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वे लॉन्च इन विच ईयर, यानी ये किस ईयर में लॉन्च की गई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये 2020 में लॉन्च की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज, यानी बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बासमती राइस का टेस्ट वेट जो है वो 21 ग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग पीएच, यानी अगर सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट जो है वो इंक्रीज होता है पीएच के साथ, तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है मॉलिब्डेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉसम एंड रॉड ऑफ टोमेटो इज कॉज बाय, यानी ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से लगता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैमिली ऑफ कोकोनट इज, यानी कोकोनट की फैमिली क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कोकोनट की फैमिली तो आप सबको पता है वो क्या है, अरेकेसी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा अरेकेसी। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कोकस नुसिफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज हैज रिस्ट्रक्चर्ड द स्कीम बाय मर्जिंग ऑल द ऑन गोइंग स्कीम अंडर एन, यानी ये जो है सारी स्कीम्स जो है वो किसके अंडर जो है उन्होंने जो है मर्ज की है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो है अम्ब्रेला ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। इसके अंडर जो है जितनी भी स्कीम्स है एनिमल हस्बेंड्री डेयरी और फिश की इसको जो है वो उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टिल्थ इज रिक्वायर्ड फॉर सैंडी सॉइल, यानी सैंडी सॉइल को जो है किस तरह का टिल्थ जो है वो रिक्वायर होता है, तो वो है फाइन टिल्थ। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। सब सॉइलिंग इज डन इन, यानी सब सॉइलिंग कब की जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सब सॉइलिंग ये जो है ये की जाती है 45 ईयर्स में, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो कि ऊपर का जो टॉप मोस्ट जो लेयर होता है सॉइल को, उसको ज़्यादा जो है उसको जो है ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए जो है उसके नीचे की जो सॉइल होती है, उसके जो हार्ड पैंस होते हैं अवेलेबल होते हैं सॉइल में, उनको जो है ब्रेक करने के लिए जो है वो सब सॉइलिंग की जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट विच इज़ द टाइप ऑफ टिलेज दैट इज डन इन द स्टैंडिंग क्रॉप, यानी ऐसा कौन सा टिलेज है जो कि हम जो है वो जो है स्टैंडिंग क्रॉप में कर सकते हैं. तो वो है वेट टिलेज. वेट टिलेज ये जो है इसे जो है पडलिंग भी कहा जाता है. तो पडलिंग को ही जो है वेट टिलेज कहा जाता है और ये हम जो है स्टैंडिंग क्रॉप में करते हैं, राइस में. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स इज नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट शुगर एंड फैट्स, यानी प्लांट में जो है कार्बोहाइड्रेट शुगर और फैट्स को जो है प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है मेन जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये यहाँ पर पूछा गया है. तो वो है मैग्नीशियम. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच इंसेक्ट इंसिडेंस इज नोटिस्ड ऑन मैच्योर लीव्स कर्लिंग एंड रेडनिंग ऑफ लीव्स विल बी ऑब्जर्व, यानी लीव्स अगर कर्ल हो रहे हैं, रेडनिंग ऑफ लीव्स हो रही है, तो हमें वहाँ पर कौन से जो है इंसेक्ट का जो है वो जो है अपेयरेंस दिखता है, तो वो है वाइट फ्लाई. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन विटामिन एंड एंजाइम आर इसेंशियल टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने के लिए जो है हमें नीचे दिए गए में से जो है वो किस कंपोनेंट की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो वो है सल्फर. चलिए आगे बढ़ते हैं. द स्पीशीज इज कॉल्ड एज कैंडी कैन बनाना, यानी इसमें से कौन से स्पीसीज को जो है वो कैंडी कैन बनाना कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है. तो वो है मूसा कैंपेस्ट्रिस. यहाँ पर आंसर हो जाएगा मूसा कैंपेस्ट्रिस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अमोंग ऑल द सरल रैंक्स थर्ड आफ्टर द वीट एंड राइस इन प्रोडक्शन, यानी राइस और वीट के बाद किसका प्रोडक्शन आता है, तो वो है मेज. चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों अगर आप जो है किसी भी जो है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि IBFC AFO एग्ज़ाम, UK SSSC AO, हरियाणा EDO, हिमाचल EDO, FCI एग्ज़ाम, स्टेट FSO, OPSC AHO, या फिर कोई भी जो है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो है अवेलेबल है. इस कोर्स में आपको जो है वो प्रिंटेबल फॉर्म में जो है PDF नोट्स मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, और पेपर्स मिल जाते हैं, कंप्लीट नोट्स फॉर एग्ज़ाम मिल जाते हैं, आपका यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है, क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है एज़ पर सिलेबस, और ये हमारी सिलेक्शन बैचेस होती है. तो आपको जो है बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और ये सारे कोर्स जो है वो हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in, वहाँ पर अवेलेबल है. या फिर आप जो है हमारे ये कोर्सेज जो है हमारा जो ऐप है agriculturegk, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं. चलिए आगे के जो है MCQs डिस्कस कर लेते हैं. विच पोल्ट्री वीड इज सुटेबल बर्ड फॉर बैकयार्ड फार्मिंग इन रूरल एंड ट्रिपल एरियाज डेवलप बाय द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन पोल्ट्री ICR हैदराबाद, यानी इन्होंने जो है वो कौन सी वेराइटी डेवलप की है, ये यहाँ पर पूछा गया है. तो वो है वन राजा. चलिए आगे बढ़ते हैं. बॉयलर प्रोडक्शन फ्लोर प्रेस इज़, यानी बॉयलर प्रोडक्शन के लिए हमें कितनी फ्लोर प्रेस की ज़रूरत होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है. तो वो है 1 square feet पर बर्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अमेरिकन कॉटन शुड बी नॉर्मली बी प्लांटेड एट द डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर, यानी अमेरिकन कॉटन जो है वो कितने डिस्टेंस पर प्लांट करना चाहिए, ये पर पूछा गया है. तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 60x45. चलिए आगे बढ़ते हैं. येल्लो कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, यानी येल्लो कलर जो होता है फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में हमें वो कौन सा विटामिन देता है, तो वो देता है विटामिन ए. विटामिन ए भी देता है और विटामिन सी भी देता है, तो विटामिन ए जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा होता है. तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, विटामिन ए. चलिए आगे बढ़ते हैं. बैक्टीरियल लिप ब्लाइंड ऑफ राइस इज कॉज बाय, तो ये जो है आपको सबको पता है, ये जो है वो ज़ैंथोमोनस स्पीसीज की वजह से लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. गुंगिया विविल इज़ अ पेस्ट ऑफ, यानी ये पेस्ट किसकी है, ये यहाँ पर पूछा गया है. तो ये जो है ये वीड की पेस्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. DNA एक्सचेंज एज अ डबल हेलिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, यानी DNA में किसकी बॉन्डिंग होती है, तो ये आप सबको बताइए
फोर न्यूक्लियोटाइड्स की जो है वो बॉन्डिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगल पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली हाई इन सॉइल हैवी, यानी जो है फंगल पॉपुलेशन जो होती है वो किस सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो फंगस ये जो है ये एसिडिक पीएच जिस सॉइल का ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूसा स्नोबॉल इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, यानी पूसा स्नोबॉल ये किसकी वेराइटी है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये कॉलीफ्लावर की वेराइटी है। चलिए 38 एमसीक्यू देख लेते हैं। इन इंडिया विच सॉइल ऑर्डर इज निग्लिजिबल एरिया, यानी सॉइल का जो ऑर्डर होता है वो इंडिया में जो है वो कौन सा जो है वो कम है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है हिस्टेस्टोल्स, ये जो है ये सॉइल का ऑर्डर जो है वो बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कॉज बाय, यानी ब्लैक रस्ट ये जो डिसीज होता है वीट में ये किसकी वजह से कॉज होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो पुंसिया ग्रामिनी टिटिकसाय की वजह से जो है वो कॉज होता है। चलिए 40 एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज इमोबाइल इन सॉइल बट मोबाइल इन प्लांट, यानी जो है कौन सा न्यूट्रिएंट जो नीचे दिया गया है वो जो है वो सॉइल में जो है वो इमूवेबल है और बट वो प्लांट में जो है वो अपना वर्क बराबर करता है। तो वो है फॉस्फरस। ये आगे बढ़ते हैं। सॉइल विथ हाई पीएच इज जनरली डिफिशियंट इन, यानी सॉइल में अगर ज़्यादा पीएच हो गया तो वो किस न्यूट्रिएंट में डिफिशियंट होगी ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है जिंक एंड मैगनीज। 42 एमसीक्यू देख लेते हैं। विच शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स में से हमें जो है वो कौन सी शुगर मिलती है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें ग्रेप्स में से जो है वो ग्लूकोज शुगर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुगर ऑफ मिल्क इज कॉल्ड, यानी मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे जो है लैक्टोज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग, यानी लैंडस्केपिंग के प्रिंसिपल क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो लैंडस्केपिंग में जो है बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट बैलेंस और प्रोपोर्शन ओपन सेंटर रिपीटेशन रिदम वेराइटी ये सारी चीज़ें आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड, यानी ये सेंटर कहाँ पर है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये बीकानेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेट ऑन, यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये 7 अक्टूबर को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ब्लैंक सिक्स टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो ऑनियन एंड पोटैटो क्रॉप्स, यानी जो है ये किस ऑपरेशन के अंडर आता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑपरेशन ग्रीन के अंडर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DHY 286 रजत SRT1 एंड LRA 5166 इज अ वेराइटी ऑफ, यानी ये किसकी वेराइटीज है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये BT कॉटन की वेराइटीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल ए इज यूजुअली अपीयर्स इन, यानी जो है क्लोरोफिल ए जो है ये हमें किस में दिखाई देता है जनरली। तो वो जो है वो हमें जो है ब्लू ग्रीन आर्गी में जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेप कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, यानी ग्रेप में जो है वो कौन सा एसिड होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसमें जो है वो टार्टारिक एसिड होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अजोला कैन फिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स केजी नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर, यानी अजोला जो है वो पर हेक्टर पर ईयर जो है कितना नाइट्रोजन फिक्स करता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो 30-40 केजी जो है वो नाइट्रोजन पर ईयर पर हेक्टर जो है वो जो है फिक्स करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज अ सॉफ्ट फ्लपी स्टेबल फाइबर दैट ग्रोज इन बोन, तो वो कौन सा फाइबर है जो कि सॉफ्ट होता है फ्लफी होता है और वो जो है बॉल में फॉर्म होता है। तो यहाँ पर बॉल की फॉर्म बात की गई है। तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो कॉटन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, यानी वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दबोंग मेथड ऑफ क्रॉप इज राइजिंग इज एसोसिएट विथ, यानी ये जो राइस की मेथड है ये जो है ये
जो है इसे जो है वो कैसे किया जाता है, किससे एसोसिएटेड है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है नर्सरी में जो है विदाउट सॉइल जो है वो ग्रो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नर्सरी राइजिंग विदाउट सॉइल। दोस्तों अगर आप जो है IBPCFO की मीन्स की अभी तैयारी कर रहे होंगे, आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है आपको जो है कंप्लीट नोट्स ऑफ एग्रीकल्चर मिल जाते हैं, PDF फॉर्म में ई बुक्स मिल जाती हैं, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की भी आपको यहाँ पर बुक दी जाती है, 50+ जो है फुल लेंथ टेस्ट आपको जो है वो दी जाती है जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है। उसके बाद जो है आपका जो है व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है, आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाता है, और इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो टेल एग्ज़ाम तक है। तो जो है आप जल्दी से जल्दी जो है ये कोर्स परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और ये कोर्स की प्राइस सिर्फ 599 रुपीज़ ओनली है। और ये कोर्स जो है हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर NGK वहाँ पर अवेलेबल है, या फिर आप जो है ये कोर्स हमारे जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। मोल्टल लीफ इन सिट्रस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी मोल्टल लीफ ये जो डिसीज है सिट्रस में ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से लगता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये जिंक डिफिशियंसी की वजह से लगता है। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, यानी एरिड जोन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये है जोधपुर में। हमने पहले जो एरिड जो है सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखा वो जो है वो हॉर्टिकल्चर का था और वो बीकानेर में था, और ये जो है ये जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जोधपुर। चलिए नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉट पर्पस ब्रीड, यानी नीचे दी हुई में से जो है वो ड्रॉट पर्पस जो है वो ब्रीड कौन सी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है नागौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुखारी टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर हैव कैपेसिटी, यानी जो है बुखारी टाइप जो ये जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बुखारी टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर ये जो है ये सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि सोरगम व्हीट पैडी इनके लिए जो है वो बनाया जाता है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 3.5 to 18 टन्स होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइसेंथेमम इज प्रोपेगेटेड बाय, यानी क्राइसेंथेमम ये जो है ये किससे प्रोपेगेट किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्राइसेंथेमम ये जो है ये सॉफ्टवुड कटिंग के थ्रू जो है वो प्रोपेगेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले प्रेजेंट इन वर्मिकुलेट, यानी वर्मिकुलेट में जो है वो कौन से टाइप का जो है वो सिलिकेट के जो है वो प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप का जो है वो सिलिकेट क्ले जो है वो प्रेजेंट होता है। सिलिकेट क्ले ये जो है ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक क्ले मिनरल है जिसकी डायमीटर जो है वो 2 माइक्रोन से भी बहुत कम होती है, और ये जो है वर्मिकुलर में जो है वो 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप से जो है वो ये प्रेजेंट होता है। चलिए हमारे यहाँ पर 60 MCQ डिस्कस हो चुके हैं। दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको और ऐसे जो है मॉडल्स पेपर चाहिए होंगे, तो आप जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और हमारी जो यूट्यूब पर चैनल है एग्रीकल्चर NGK इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर NGK इसे जो है इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।